आप में से कोई ऐसे तो नहीं है जिनको दृष्टि लेने में थोड़ा संकोच होता है? दृष्टि लेने में अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसे भी हैं कोई? हाथ नहीं उठाना, लेकिन दृष्टि लेने में अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो मुश्किल है ना? क्योंकि जैसे कमरा गंदा हो और कोई आ जाए तो कहते हैं ना, आप अंदर मत आइए, आप अंदर मत आइए, हम ही बाहर आ जाते हैं। ऐसे अंदर अगर बहुत मैल होता है ना तो दृष्टि लेने में अनकंफर्टेबल लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे दृष्टि से बाबा वो देख लेगा जो हम नहीं चाहते बाबा देखे, है ना? दुनिया में कहते हैं यू गॉट समथिंग टू हाइड, तो वो दृष्टि लेने में डिस्कम्फर्ट है अगर, तो उसका कारण ये होता है। अब इसमें बात ये आती है कि ऐसा तो कोई भी नहीं है जिस पूरा जो क्लीन हो, राइट? लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है, एक होता है कि हम पुरुषार्थ पूरा कर रहे हैं और संस्कार जो हैं वो परिवर्तन अपने अनुसार हो रहे हैं, लेकिन दूसरा होता है जब हमें मालूम है कि ये संस्कारों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पुरुषार्थ की प्रॉब्लम है, तब हमें दृष्टि लेने में अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, है ना? तो ये बड़ी गहन फिलॉसफी है, इन चीज़ों को समझना है। तो क्योंकि कई ऐसे, मुझे एक बार एक माता थी तो कहती थी कि मुझे दृष्टि लेने में बड़ा ना ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे ना, मैं वॉच्ड हूँ, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ में आता है कि क्यों नहीं अच्छा लगता, तो इन चीज़ों को अटेंशन देना है। फिर दूसरा, जब हम अमृत वेले उठते हैं, बैठते हैं, पहले तो अमृत वेले का और अमृत वेला ऑप्शनल नहीं रखो, है ना? अमृत वेला कोई ऑप्शनल नहीं है, अमृत वेला तो करना ही होगा, उठना ही होगा। और बाबा कहते कि अमृत वेले उठकर तैयारी करनी पड़े, है ना? आज ही अमृत वेले ऐसे संकल्प चल रहा था कि समेटने की शक्ति कितनी ज़रूरी है ना? और गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप या ज्ञान की किसी भी पॉइंट का स्वरूप कैसे बनेंगे, तो मन बुद्धि की लेबोरेटरी में उस स्वरूप को क्रिएट करना पड़ता है अमृत वेले, है ना? जैसे अभी समेटने की शक्ति माना रेडी टू गो, बैग बैगेज बंधा हुआ है, तो अपने को जब हम अमृत वेला बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसे न्यारी आत्मा जिसके हर चारों तरफ से जैसे लंगर उठा हुआ है और कोई भी संकल्प नहीं, कोई देहधारी नहीं, कोई चीज़ नहीं जिसकी तरफ बुद्धि जा रही है, और मैं आत्मा बाबा के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, कोई संबंध की खींच नहीं, कोई पदार्थ की खींच नहीं, तो बाबा कहते हैं इतना हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होगा। और अभ्यास का समय तो सिर्फ अमृत वेले हैं, सारे दिन में हम बीच बीच में उस स्थिति को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर फाउंडेशन डालना है तो फाउंडेशन डालने का समय अमृत वेले ही है। और अमृत वेले में अपना एजेंडा भी बहुत सेट कर कर अभ्यास करना है कि मुझे
किस गुण स्वरूप, किस शक्ति स्वरूप या बाबा से किस संबंध का अनुभव, या बाबा की भी, क्योंकि जब हम गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप कहते हैं तो बाबा के ही गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में हम अपने को स्थित कर रहे हैं, या ज्ञान के किस पॉइंट के स्वरूप में हम स्थित हों, तो ये सारे अभ्यास हमें करने होंगे और अमृत वेला जितना लंबा कर सकें करें ना। ऐसे नहीं कि 4 से 4:45 ही, 3:30 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं, 2 बजे उठ सकते हैं, तो वो भी अभ्यास पुरुषार्थ के लिए वो समय बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे ये जो हम अवस्था बनाएंगे यही काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा। और जिन भी चीज़ों में, जिन भी आत्माओं में है ना हम अपना बुद्धि योग लगा रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत अटेंशन देना है। और आज बाबा हमें कर्म की फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं। अब कर्म की फिलॉसफी क्या है कि जब हमारा तन मन धन विकारों की मत पर लगता है तो उससे भ्रष्ट कर्म होते हैं, और जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, चाहे आपके कोई संबंध बहुत बिगड़ा हुआ है, चाहे शरीर में कोई बात है, चाहे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, चाहे ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई लीगल सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, हर चीज़ क्या है, उस कर्म बंधन के बोझ का रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, जो हमने क्रिएट किया है तन मन धन विकारों की मत पर लगाकर, जितना हमने विकारों वश है ना वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे अपना तन मन धन लगाया है। आज भी आप सारे दिन देखो तो किसके चिंतन में रहते हैं, कोई ना कोई वस्तु व्यक्ति वैभव के ही चिंतन में रहते हैं। और क्यों रहते हैं, बाबा की याद में नहीं रहकर उस व्यक्ति वस्तु वैभव की इतनी खींच क्यों है, क्योंकि हमारा वहाँ विकार का कनेक्शन है, कहीं मोह है, कहीं लोभ है, कहीं और किसी प्रकार का स्वार्थ है ना। तो मुझे याद है एक माता थी, तो वो अपने एक मेड के साथ आती थी, तो जैसे ही बैठेगी ना बीच बीच में देखती रहेगी वो है कि नहीं है, है ना। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि सारे टाइम मुड़ मुड़ के क्यों देखते रहते हो, आई है तो बैठी ही होगी ना। तो मुझे कहती है नहीं मानो वो चली गई, मुझे घर कौन लेके जाएगा, मैं बुज़ुर्ग हूँ ना तो चल नहीं पाती हूँ, तो मुझे ऐसे स्ट्रेस होता रहता है। तो मैंने कहा अगर चली भी जाएगी तो भी ऐसा थोड़ी है कि आप घर नहीं पहुँचोगे। तो क्या है कि मनुष्य के कितने प्रकार के संकल्प चलते, कमज़ोर आत्मा होगी तो बाबा को याद करने के बजाय यही देखती रहेगी कि मुझे लाठी पकड़ के कोई ले जाने वाला है कि नहीं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि विकारों के वश अपना तन मन धन है ना जितना हमने लगाया है उतना हमारा पाप का खाता बना है। और अब हम सोचें कि हमारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे हम भाग जाएं तो वो छूट जाएंगी, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप से आ जाएंगी। मुझे याद है एक भाई आते थे तो मुझे बोले कि संबंध ठीक नहीं है युगल के साथ। तो मैंने कहा संबंध तो हर चीज़ जो अभी ज्ञान सुना रहे वही सुनाया कि ये सब तो अपने कर्म के बंधन का मैनिफेस्टेशन है। तो कहते दीदी अभी क्या है ना कि अब नहीं हम संभाल सकते हैं और अभी डिवोर्स लेना है, तो तुम देख लो भाई है ना, क्योंकि अब ऐसे कोई जैसे निमित्त वाला कनेक्शन नहीं था, ऐसे कोई सुनने वाला कनेक्शन नहीं था, नए नए आए थे। तो मैंने कहा हम तो ऐसा समझते हैं कि किनारा नहीं करना है, बाकी बाकी तो आपको डिसीशन लेना है। तो फिर डिवोर्स ले लिया।
डिवोर्स लेने के बाद बहुत सारी समस्याएं फाइनेंस में, जो बिजनेस में आई, तो फिर उनकी बुद्धि चलने लगी। फिर एक दिन आके कहते हैं कि बिजनेस सारा बिगड़ गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वाला यहाँ आ गया है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर हो सकता है, कर्म फिलॉसफी तो यही कहती है कि एक से भागोगे तो दूसरे। वो तो कहते हैं अभी उनको वापस ले आए क्या दीदी? हाँ, तो अब आप सोचो कि मनुष्य कैसा है। तो मैंने कहा क्यों, अब वो तंग नहीं करेंगी? तो कहते नहीं, पर बिजनेस का लॉस ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, वो तो क्या है, घर में भी अगर चिक चिक भी करते रहे तो क्या है। तो मैंने कहा यही बात तो आप पहले समझ जाते ना। तो ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार आत्मा कर्म की फिलॉसफी को नहीं समझना चाहते। कई बार हम वही ब्लेम गेम, वही उन्हीं चीज़ों में रहना चाहते हैं कि इनके कारण इनमें प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम है, पर किसी में प्रॉब्लम नहीं है। आपको, यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिज़र्व। अगर आपको जो परोसा गया है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो अपनी डिज़र्वेबिलिटी पे काम करो, क्योंकि इफ़ यू डिज़र्व द सेम, आप किसी को छोड़ भी देंगे तो भी आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको वही मिलेगा, चाहे उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। कोई संबंध का पेन से फिजिकल पेन में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा जो डिस्कम्फर्ट में है वो अपने कर्मों के कारण है। और जब तक हम ये ना सोचें कि मुझे अब श्रीमत पर चलकर अपने उस कर्म बंधन से मुक्ति पानी, कर्म बंधन से कैसे मुक्ति मिलती है, जब वही तन मन धन हम श्रीमत पर लगाते हैं। अगर अभी भी हम देहधारी की याद में रहेंगे, अभी भी हम अपना तन मन धन विकारों की मत पर ही लगाएंगे, तो हमें हमारे कर्मों से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। इसलिए बाबा जो श्रीमत देते हैं ना कि देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, और प्लस सुबह से लेकर रात तक हर कर्म में मेरी श्रीमत के प्रमाण चलो, चाहे वो लेन देन है, चाहे वो शरीर का कोई कर्म है, चाहे वो वृत्ति दृष्टि है। तो जब तक हम उसको नहीं समझते तो फिर उस कार्मिक साइकिल को रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। और फिर जो बहुत अच्छा नियम है, इफ़ यू रन अवे फ्रॉम योर कर्मा इट रन्स आफ्टर यू, ठीक है ना? ये आप कर्म के से भागेंगे वो आपके पीछे भागेगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर बाबा कहते हैं कि निमित्त से वेरीफाई करा लो। अब निमित्त से वेरीफाई कराने के लिए पहले तो एक निमित्त होना चाहिए, है ना? तो निमित्त निमित्त किसको कहेंगे, है ना? जब देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोई यूट्यूब पे सुनते हैं, है ना, तो ऐसे फ़ोन लगा देते हैं ना, दीदी आप बात करनी है, सल्यूशन चाहिए, तो कोई बात सुनाएंगे अपने जीवन की। अब वो जो बात सुनाएंगे उसमें हम उनको राय दें कैसे? हम तो आपको जानते ही नहीं, है ना? तो इसीलिए जब निमित्त कहा जाता है तो निमित्त माना जिसको आप टोटली जानते हैं, है ना? निमित्त उस आत्मा को टोटली जानता है। अब जानेंगे कैसे? आपकी सच्चाई के आधार से। देखो आप मान लो आप एक लीगल केस में फंस गए, आपने लॉयर को जाकर आधी सच्चाई बताई, बेस्ड ऑन दैट उसने आपको एक राय दी। अब आप उस पे चलेंगे तो केस जीतेंगे? उसमें लॉयर की गलती, आपकी गलती, आप फैक्ट्स ही नहीं बता रहे। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आधी बात बताएंगे, आप उसको ये भी नहीं बता रहे मैं शराब पी रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, और फिर आप उससे दवाई लिखवा के ले आए, खाई, और वो दवाई असर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना चिट्ठा ही नहीं दे रहे। तो इसीलिए जब हम निमित्त कहते हैं तो निमित्त माना जिसके साथ हम कंप्लीटली एंड होली ऑनेस्ट होकर सब कुछ उनको बताते हैं,
है ना। अब मान लो देखो, जैसे एक एक कितने बच्चे हैं आज, है ना, तो आपको रोज़ अपना चार्ट देना पड़ेगा, सिर्फ यस नो का नहीं, हर चीज़ का, जो भी आपकी जीवन की बात है, जिस भी प्रकार से आप चलते हैं, जो आपके संबंध हैं, जहाँ आप अपना धन लगाते हैं, वो सारी बातें सच्चाई से लिखनी पड़ेंगी, चाहे हम रिस्पॉन्ड कर पाए ना कर पाए, पर हम पढ़ते ज़रूर हैं। तो इस प्रकार से जब आप अपना ऑनेस्टी से रोज़ सारा बही खाता देंगे, तब तो कभी आप कुछ पूछेंगे तो हम आपको बता सकेंगे, वरना अगर है ही नहीं तो वेरीफाई कैसे करेंगे। अभी देखो एक बार क्या हुआ, उस दिन मैं भी फ्री थी, तो ड्रामा कभी कभी ऐसा होता है ना, तो एक माता आई, किसी सेंटर जाती थी, मैंने पहले भी सुनाया ये बात, किसी सेंटर जाती थी, तो बोली कि मैं तो ज्ञान में मेरी बहुत लगन लग गई, और मैंने दीदी को कहा कि मैं तो हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, ये तो बहुत पतित है, विकारों के लिए तंग करने वाले में से हैं, और मेरे को वैसे भी देखो बच्ची भी है छोटी, लेकिन कहती है कि मुझे सेंटर पे रहना है और मुझे घर में नहीं रहना। तो उनकी निमित्त ने मना कर दिया, उन्होंने कुछ समझाया नहीं, लेकिन कहा नहीं हम आपको नहीं रखेंगे ऐसे। तो फिर आकर कहने लगी, यहाँ आई थी तो कहती कि अब देखो दीदी, वैसे तो मुरली में कहते हैं कि सरेंडर बुद्धि हो जाओ, सरेंडर बुद्धि हो जाओ, अब हम सरेंडर बुद्धि हो गए तो ये सेंटर वाले ऐसे करते हैं, और मुझे कह दिया आप नहीं रख सकते, अब मैं तो घर में पवित्रता के लिए झगड़ा करके बैठी हूँ, अब मुझे। तो मैंने कहा कि आपका झगड़ा पवित्रता का है? तो बोली हाँ पवित्रता का ही झगड़ा है। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर योग में बैठो, उसके बाद मेरी क्लास ख़त्म करके मैं आई, मैंने बात की उससे, तो सारी बचपन से सारी स्टोरी सुनी, सब सुना। अब क्या है, तंग करते हैं जो युगल कह रही है, युगल क्या तंग करते हैं, जब क्लास जाने लगती है तो कहती रोज़ रोज़ जाना ज़रूरी है क्या, बस इतना तंग करते हैं। कभी कहते हैं अपनी मर्ज़ी करनी है तो घर से निकल जाओ, बस इतना तंग करते है ना, पर इतनी ईगो है कि छोटी सी बात भी सुन नहीं सकते। और वो ईगो क्यों है, क्योंकि बचपन से वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स कहाँ से डेवलप हुआ, क्योंकि भाई के साथ हमेशा बचपन में कंपैरिजन चला, तो हमेशा जब वो कंपैरिजन चला तो अंदर क्या आ गया कि मुझे नहीं पूछते हैं दूसरे को पूछते हैं, मैं कम थोड़ी हूँ, तो एक फॉल्स, ये जो एक झूठा होता है ना कि हमेशा अपने को एजर्ट करना, हमेशा अपने को राइट कहना, कुछ भी सहना नहीं, ये सब पर्सनालिटी में आ जाता है, संस्कार में आ जाता है। फिर उसको समझाया, तो समझाने के बाद कहती हाँ, तो मैंने कहा अभी आप सेंटर पर भी रह जाओ, मानो कोई आपको रख भी ले तो भी आप नहीं रह सकते बहन, आपको तो कोई ईस्ट कहेगा तो आप इमीडिएट वेस्ट कहेंगे, आपने वो संस्कार बनाया है ना। युगल आपको आपके युगल आपको कोऑपरेट करेंगे जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप उस तरह का कोई कर्म नहीं कर रहे हैं ना। तो आप सोचो एक व्यक्ति है, ये खाना बनाती है, इन उसका खाना तक नहीं बना के देती वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना पैक करके जाते हैं, और उसको जाते वक्त कह देते तुम्हें कहीं जाना है तो तुम चली जाओ, तो क्या करेगा व्यक्ति, फ्रस्ट्रेशन में इतना भी नहीं बोलेगा क्या वो कहीं ज्ञान में थोड़ी चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम देख ही नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, और हम कह रहे सामने वाले से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपने संस्कारों में है। और जब आप सारी बात सुनेंगे देखेंगे, इसीलिए निमित होना, जिसके सामने आप अपना पूरा चिट्ठा रखते हैं, है ना। अब आप सोचो कोई हमें नहीं बताते कि वो पैसा अपना कहाँ लगाते हैं,
और पाप के पैसे से पाप की कमाई, और अगर पैसा गलत कामों में लगता है उसकी कर्म की फिलॉसफी बहुत गुही है। फिर व्यक्ति कहता है हमारे पे इतने विघ्न क्यों पड़ रहे हैं, हमारे पे इतने विघ्न क्यों पड़ रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये तो सारा धन का, इनका सारा सोर्स और व्यय सारा ही ऐसा पतित है। तो फिर ऐसे में जब तक आप उन बातों को रिवील नहीं करेंगे तो कोई आपको राय कैसे देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वेरीफाई कराओ निमित्त से, लेकिन निमित्त के साथ पहले रिलेशनशिप तो बनाएंगे ना, कोई निमित्त तो होना चाहिए ना। तो जब तक हम अपनी ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, जब तक हम अपना पूरा चिट्ठा नहीं देते हैं, तो फिर वेरीफाई कैसे कराएंगे। जब हमारे को कोई भी बात में ऐसे बड़ी बातें उछल खाती हैं कि किनारा कर लें, ऐसे कर लें, तो कैसे कोई हमें राय दे, है ना। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, और ऑनेस्टी नहीं है ना तो फिर कोई निमित्त के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। आप खुद भी उस राय पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है हमने इनको पूरी बात बताई ही नहीं है, तो ये जो बता रहे हैं वो हम मान नहीं सकते। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कर्म की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझ कर, और ऐसे किनारा कर लिया कर लिया। आप देखना आजकल एक ट्रेंड है, शादी के बाद बहुत हड़बड़ा के डिवोर्स ले लेते हैं, है ना, जैसे एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। ये एक ट्रेंड है, ऑलमोस्ट दिस इज़ लाइक अ ट्रेंड। शादी होती है, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, आजकल तो ऐसे भी कहते हैं कि रजिस्टर होने से पहले डिवोर्स ले लो, रजिस्टर हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो रजिस्टर होने से पहले हड़बड़ा के डिवोर्स ले लो। तो इस प्रकार से कितने केसेस ऐसे हमने देखे कि हड़बड़ा हड़बड़ा के डिवोर्स ले लिया, 6 महीने में 8 महीने में डिवोर्स ले लिया। अब जब ले लिया उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद कहते हैं इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे, उस समय समझ नहीं थी, उस समय ऐसे जोश जोश में कर लिया। फिर उसी आत्मा से बात भी करते, ऐसे कितनी केसेस हमारे सामने आते हैं ना। तो ये भी क्या है, ये सब जब तुम्हारे कर्म की खींच ही ऐसी है। अब इसमें ये नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छा संबंध है या सुखदायी संबंध है या आपको उसमें रहना था, पर विदाउट सेटलिंग आप भाग ही नहीं सकते ना। तो आप वो तो बुरे हैं, बट यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप कह रहे हैं ना वो बुरे हैं, बट आप हैं तो राम मिलाई जोड़ी ना, आप हैं तो वही, यू आप एक दूसरे के लायक ही हैं। तो आप सोचें कि वो बुरे हैं हम निकल जाए, नहीं, आप तो पहले अच्छे बनो ना, तब तो निकलोगे, है ना। तो इसीलिए ये जो मुझे एक बार एक माता बोली, मेरे माता के कन्या जो नई शादी हुई थी, मुझे बोले हस्बैंड बहुत बुरे। मैंने कहा वो तो ठीक है, बट आपका भी क्या हाल है। कहती कि वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैंने कहा वायलेंस तो म्यूचुअल हो रहा है, यहाँ आप नहीं मारते हो। तो कहती मैं तो ऐसे, अब कोई मारेगा तो मार थोड़ी खाएंगे। तो मैंने कहा फिर डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी है, आप मारपीट कर रहे हो, बोलो ना, मारपीट कर रहे हो, मारपीट करो, मारपीट में क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं है कि आपका ये सामने वाला बुरा है, बट यू डिज़र्व इट, वो आपके ही लायक है। और अगर यू टू डिज़र्व ईच अदर, और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हाँ अगर आप उस संबंध में रहते श्रीमत पे चल के बदल जाएंगे तो फिर आपके हालात भी बदल जाएंगे। और अगर आप नहीं बदले तो आपके हालात नहीं बदलेंगे, और मोर ऑफन देन नॉट रिलेशनशिप्स का एक साइकिल चलता है, आप देखना, है ना। अलग होंगे, फिर धीरे 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 उसी आत्मा के साथ फिर फंसेंगे, फिर अलग होंगे, फिर उसी आत्मा के साथ फंसेंगे। इस प्रकार से भी कई संबंध चलते रहते,
इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार तुम कर्म बंधनों से भाग नहीं सकते, है ना। तुम्हें अगर डिस्कम्फर्ट है, तुम कर्म फिलॉसफी को समझो, तुम श्रीमत पर चलो, अपनी अवस्था को बदलो, तब तुम्हारे वो जो रियलिटी है वो चेंज होगी। तो ये पहली चीज़। बाबा आज हमें संगम युग के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये संगम युग है, और बाबा हमें कलयुग से निकाल कर संगम युग में लेकर आते हैं ताकि हम सतयुग में जाएं। और सचमुच आज मुरली में सुनकर ऐसे ना बुद्धि में चला कि बाबा हमें कलयुग से निकाल कर संगम युगी रसम रिवाज के आधार से, जैसे इस दुनिया से बिल्कुल न्यारा करते, है ना, जैसे हम रहते इसी संसार में हैं, लेकिन बाबा हमें स्वमान दिलाते हैं तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आई तो मैं दीदी के मुख से हमेशा ये भाषा सुनती थी, बहन ये हम नहीं करते, है ना। जैसे कोई भी बात है, जैसे मानो कोई कुमार कुमारी बाइक में एक साथ आ गए बैठ के, है ना, तो हम तो जैसे दीदी उनको कह रही है तो हमारे दिल में क्या चलता है, क्या बड़ी बात है बाइक में एक साथ बैठ के आ गए। तो दीदी कहते थे बहन ये सब करते होंगे, ये दुनिया में नॉर्मल हो, हम नहीं करते, है ना। तो ये हम नहीं करते, हम नहीं करते, तो मैं अपने मन में सोचती थी ये हम नहीं करते क्या है क्योंकि नए नए होते तो आपको समझ नहीं आता, तो ये हम नहीं करते क्या है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम रहते दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया में जो करते हैं सब वो नहीं करते। हमारा उठना बैठना खाना पीना संपन्न संपर्क वृत्ति दृष्टि सब चीज़ों के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं और हम श्रीमत पर हैं। दुनिया में जो चलता है होता है वो कलयुगी रसम रिवाज है, वो हमारी नहीं है। दुनिया में आप किसी डॉक्टर को भी पूछेंगे कि आइडियल टाइम उठने का क्या है तो वो ज़रूरी नहीं है 4 बजे कहेगा आपको, वो 6 भी कह सकता है, वो 8 भी कह सकता है, है ना। खुद 12 बजे उठता होगा तो आपको कहेगा 10 बजे उठ गए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हारे उठने का समय ही अमृत वेले। बाबा हमें संगम युग में लेकर आते हैं, बाबा हमें संगम युगी ब्राह्मण की रस्म रिवाज सिखाते हैं। रहम दिल होना, आत्मिक दृष्टि रखना, रूहानियत की दृष्टि रखना, ये हमारी नेचुरल दृष्टि है। हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखना, ये हमारी नेचुरल वृत्ति है, है ना। फिर बाबा हमें पवित्रता सिखाते कि तुम किसी भी पतित दुनिया, पुरानी दुनिया के शरीर, उनके भोजन, उनके किसी भी चीज़ से अपने इंद्रियों के द्वारा अपनी वाइब्रेशन को ख़राब नहीं करो, क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, चाहे नाक कान नाक मुख त्वचा है, चाहे मन बुद्धि संस्कार है, वेन दे मेक कॉन्टैक्ट विद द ओल्ड वर्ल्ड, है ना, ये जो सारा एंगेजमेंट जब पुरानी दुनिया से होता है तो फिर वहाँ का पतितपना अंदर आता है। तो इसीलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया का खान पान, पुरानी दुनिया का देखना सुनना, पुरानी दुनिया में जो विकारों की लहर है उसमें बहना, या पुरानी दुनिया की बातों का चिंतन या बुद्धि योग पतित आत्माओं से लगाना, ये तुम्हें नहीं करना है। ये एक तरह का ईगो नहीं है, मैं एलिमिनेट स्टेट पे हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। ईगो है अगर आप नहीं है तो अगर आप एलिवेटेड नहीं है तो ये ईगो का फॉर्म लेगा। अरे वो क्या है, ब्राह्मण हुआ तो? नहीं नहीं, ब्राह्मण है तो फिर ईगो नहीं है ना। देखो जब आप, जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ऊंचे थे ऊंचा है, ये बाबा की महिमा नहीं है, बाबा की रियलिटी है
है ना, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड ट्रूथ. अगर आप है ही ऊंचे तो फिर उसमें ईगो नहीं है, और अगर आप सच में ऊंचे हैं तो जब ये संकल्प आएगा तो ये ईगो के रूप में नहीं आएगा, जिम्मेवारी के रूप में आएगा. जैसे ही आप सच में ऊंचे हैं तो आपको जिम्मेवारी के रूप में ये संकल्प आएगा कि आत्मा कमज़ोर है, मुझे इसको मदद करना. आपको ये नहीं आएगा ये नीचा है मैं ऊंचा हूँ. लेकिन अगर आप ऊंचे हैं, दिस इज़ ट्रूथ, दिस इज़ नॉट ईगो. ईगो इज़ एंड हार्बरिंग एन आइडिया ऑफ समथिंग यू आर व्हेन यू आर नॉट दैट, दैट इज ईगो. अब भगवान ऊंचे थे, ऊंचा है, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज द ट्रूथ. बाबा कहता है मुरली में, मैं ऊंचे थे, ऊंचा हूँ, तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप नाश होंगे. तो वो कोई ईगो थोड़ी है, वो सत्य है. नहीं, और ईगो हो भी सकती है अगर आप नहीं हैं. अगर आप सच में, अगर आप प्योरिटी के लिए काम नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट देयर, तो फिर ये, अगर आप अपने को मनसा वाचा कर्मणा में इंटेग्रिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम पवित्र हैं, वो पतित हैं, लेकिन आप एक्चुअली पवित्र नहीं हैं, तो ये ईगो ही है. तब फिर आपको, तो फिर आप क्या करेंगे उस प्योरिटी का, आई एम ग्रेटर देन देम, वो यूज़ होगा. लेकिन अगर आप पवित्र हैं तो ये रियलाइजेशन कि मैं पवित्र हूँ वो पतित है, इससे आप क्या करेंगे कि मैं पवित्र हूँ पतित है, मुझे उसे पावन बनाना है. समझ है? तो जैसे कोई धनवान है, तो अब जैसे कोई धनवान है तो वो कहे कि मैं तो निर्धन हूँ, ये तो ठीक नहीं है ना. वो कहेगा हाँ मैं धनवान हूँ, लेकिन उसको ईगो नहीं है, तो कहेगा मैं धनवान हूँ, मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी. तो ऊंचा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऊंचा होकर दूसरे को नीचा दिखाना बुरी बात है. पर अगर आप ऊंचे हैं ये रियलाइज़ करके आप दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन. और बाबा तो हमें कहते हैं यू हैव टू रियलाइज़ कि आप ऊँचे हैं, आप पूर्वज हैं. देखो, मैं दुनिया में कहते हैं हर मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं तो धूल का कण हूँ. तो आप धूल के कण हैं, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? बाबा कहते नहीं, तुम धूल का कण नहीं हो, तुम मेरे नैनों का नूर हो, तुम इस विश्व का कल्याण करने वाली सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, एंड नेवर फॉरगेट दैट. और लेकिन जब आप दूसरे के सामने जाते हैं, आपको याद रखना है ये मुझे नहीं दे सकता, मुझे इसको देना है, मुझे इसका कल्याण करना है. हाँ, वो ह्यूमिलिटी डिस्टॉर्टेड हो गई ना, क्योंकि ह्यूमिलिटी इज़ गुड. ह्यूमिलिटी मतलब आप अपने को नीचा, पापी, है ना, ये समझते रहे. नहीं, बाबा हमें कहते नहीं, स्वमान में रहो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हें ही जिम्मेवारी उठानी. दैट इज़ नॉट ईगो. ईगो इज़ जब आपके मनसा वाचा कर्मणा में सिंक नहीं, जब आप कह रहे हैं मैं पावन हूँ पर है नहीं पावन, कर्मों में कोई उद्धार की टेंडेंसी नहीं, वो ईगो है. फिर उस वो, और वो ईगो जो है, दैट इज़ लाइक एनी अदर ईगो. मैं रिच हूँ, मैं फेमस हूँ, मैं विशेष हूँ, इट इज़ लाइक एनी अदर ईगो. ठीक है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग में मैं तुम्हें संगम युगी चाल चलन सिखाता हूँ. पतित दुनिया की कोई भी चीज़ को इंद्रियों से, मन बुद्धि से ग्रहण ना करना और अपनी प्योरिटी पे काम करना. बाबा हमें सिखाते हैं अमृत वेले उठकर, जब सारी दुनिया सोई हुई है, तब अपने को भरपूर करना. ये अमृत वेले की जो फिलॉसफी है, ये संगम युग की कितनी बड़ी चीज़ है. सोचो, बाबा कहते हैं जब सारे एनवायरनमेंट में नॉन इंटरफेरेंस है, सब सोए हैं,
उस समय उठकर तुम अपने आप को मेरी याद से भरपूर कर लो, पवित्र बनो। बाबा हमारे लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं रोज़, है ना। बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ बाबा हमें इस दुनिया की जो झूठी बातें हैं उससे निकाल कर सत्य को बुद्धि में डालते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो चाहे कर्म की भी फिलॉसफी है, जैसे दुनिया में कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। दुनिया में क्या कहते हैं आज, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अगर बुरा हो रहा है तो देखो कि क्या बुरा है, उसको परिवर्तन करो, अच्छा होने लगेगा। और दुनिया में कर्म की फिलॉसफी को इस तरह भी समझाते हैं कि कर्म इज़ लाइक कुछ आपने कर दिया है तो फिर वो अनचेंजेबल है। लेकिन बाबा कहते हैं ना ये डायनमिक है, आप हर सेकंड कर्म कर रहे हैं, अगर आप अभी कर्म करना शुरू करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, 1 ईयर 2 ईयर आपका वो खाता चेंज होने लगेगा। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर दिया है तो यू आर अ बैड पर्सन और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें रोज़ सत्य ज्ञान बाबा हमें बुद्धि में डालते हैं। और बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें संगम युग में जैसे अलग पॉट में रख कर और तुम्हें फ्लावर करवाता हूँ, है ना। और इसी कारण से ये जो हमारी धारणाएं हैं इसी आधार से हम पुरानी दुनिया में रहते भी वी डोंट वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए जैसे हायर फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ट्रांसफ़र लोअर फ्रीक्वेंसी में होता है, तो जब हम अपनी संगमयुगी चाल चलन के आधार से जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं तो सर्व का भला होने लगता है। फिर जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आपके संकल्प से, वाइब्रेशन से, बोल से, कर्म से, आप एक शब्द भी कहेंगे तो सामने वाले को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी जो स्थिति है उसको पुरानी दुनिया से बहुत ऊंचा बनाया है। लेकिन ये जो कलयुग के बीच में रहते संगम युगी धारणाओं पर चलकर संगम युगी बनना, ये बहुत बड़ी कला है जो बाबा ने हमें सिखाई है। दुनिया में तो लोग सोचते हैं ना जहाँ रह रहे हैं अब उसका संग का रंग तो लगेगा ही, लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, तुम वहाँ रहते उनको अपना रंग लगा सकते हो, इस लायक मैं तुम्हें बनाता हूँ। बाबा हमें कितनी अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि मन बुद्धि तो तुम्हारा है ना, तुम चाहो तो उसको याद करो, तुम चाहो तो मुझे याद करो, तुम मुझे याद करेंगे तो मेरे संग का रंग तुम्हें लग जाएगा, और जब मेरे संग का रंग लगेगा तो तुम भी मेरे जैसे होने लगोगे और फिर तुम भी वो प्रभाव डाल सकोगे। तो बाबा हमें याद की विधि, पवित्रता की विधि, अमृत वेले की विधि, है ना, या संबंध संपर्क में आते ट्रस्टी बन के चलना, साक्षी होकर रहना, ये सारी विधि बाबा हमें सिखाते हैं। ये हमारे संगमयुगी डिसिप्लिन्स हैं। इन संगमयुगी डिसिप्लिन्स पर जब हम चलते हैं तो हम कलयुग में रहते भी कलयुगी नहीं है ना, हम संगमयुगी होकर उनका कल्याण करने वाले बन जाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं जिसको संगमयुग याद रहे उसको उसको बाबा भी याद रहेगा, पढ़ाई भी याद रहेगी, सब कुछ याद रहेगा। इसीलिए हमेशा स्वमान रहना चाहिए, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, हम नहीं करते। कोई कुछ भी करे हम वो नहीं करते, हमें अलाउड नहीं है, है ना। लोग जाते हैं फिल्म देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं, है ना, रोज़ जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, कैसे भी जिस भी फ्रीक्वेंसी में जाते, हम नहीं जाते, वो जगह हमारे लिए नहीं है, है ना। और आजकल तो इतनी अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, क्या भी ज़रूरत है कहीं धक्के खाने की। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो हम नहीं करते, हम नहीं जाते, सारी दुनिया के लिए जो नॉर्मल और नेचुरल है वो हम नहीं करते। देखो कोई बीमार होता है, शरीर के रूप से भी बीमार होता है, तो दुनिया में क्या कहेंगे, रेस्ट करो ना, रेस्ट करो ना, रेस्ट करो ना,
और बाबा के घर में आप फ़ोन लगाएं तो बोले आ जाओ सेवा पे, है ना, तो सामने वाला कहेगा कि ना परिवार में लौकिक में होते तो कहेंगे ये इतने जालिम है ना ये ऐसे कहेंगे हमें सेवा पे आ जाओ। लेकिन बाबा तो हमें संगमयुगी चाल चलन क्या है, तन में व्याधि है तो तन सफल करो, मन में व्याधि मन सफल करो, धन में व्याधि धन सफल करो, है ना। तो सारी जो कर्म की फिलॉसफी है वो दुनिया के हिसाब से बहुत उल्टी है। मनुष्य कहते हैं तन में रोग है और सो और तन को ऐसे ही है ना ज़ाया करो, रेस्ट दो, ये करो वो करो तो तन और सुधरेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए संगम युग की चाल चलन के आधार से बाबा हमें पुरानी दुनिया की वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को अलग करना सिखाते हैं। और प्यारे बाबा ने आज हमें बहुत अच्छा समझाया कि हर एक आत्मा का फीचर अलग अलग ऑलरेडी ड्रामा में नूंद है ना। हर एक आत्मा का जो फीचर है चाहे वो सूरत हो सीरत हो पाठ हो सब कुछ ड्रामा में ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड है, है ना। इसीलिए जब हम आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो यू कैन नॉट क्वेश्चन हु दे आर, आप समझ रहे हो। हम कभी कभी क्या मोर और लेस 90% ऑफ द टाइम हम लोगों के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि आप हो ही क्यों, है ना, आप ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसमें सब कुछ गलत है। तो बाबा हमें कहते नहीं, वो उसका हाँ आप उसको आप उसके साथ कितना संबंध संपर्क रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप किसी को नहीं कह सकते कि आप गलत तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी किसी को देखते हो तो ऐसे ही सोच लेते हो कि ये जिस प्रकार के इनको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कितनी हाई ईगो में मनुष्य आज रहता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट पहले से नोंद है और हर एक आत्मा एग्जिस्ट कर सकती है, जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हाँ आपको नहीं वो बर्डन कैरी करना है आप मत करो, आपको किसी के साथ एंगेज नहीं करना है आप मत करो, आपको जितना लिमिट रखनी है उतनी आप रखो, लेकिन अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। हर आत्मा का पार्ट प्रीफिक्स्ड है, चेंज हम नहीं करते, चेंज हम अपने को चेंज करते हैं और हम सेवा करते हैं। सेवा क्या होती है, ये जो हम कुर्सी पे बैठ के सुनाते हैं उससे आप क्या सुने समझे वो आपकी मर्जी है। मैं इस एक्सपेक्टेशन से नहीं सुना सकती कि मुझे आज शाम तक ये डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए इस आत्मा में कि ये जो सुबह ऐसे बोल रही थी ऐसे शाम को ना बोले, नहीं। सेवा क्या होती, सेवा बड़ी डिस्पैशनेटली की जाती, सेवा माना जब आप एक आप हमेशा यू आर ऑलवेज ऑन द सेवा फील्ड ना, क्योंकि आप सोच रहे हैं बोल रहे हैं कर रहे हैं तो यू बी योरसेल्फ, आप बाबा की श्रीमद प्रमाण जो आप बने हैं, जो आपको बोलना आता है, जिस तरह से आपको चलना आता है, जो आपके संकल्प चलते हैं वो आप चलाते रहे। और जिस आत्मा को जो रिफॉर्म अपने अंदर करना होगा, क्योंकि वो भी जैसे है वो अपना डिस्टॉर्टेड वर्जन है ना, तो वो अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंच जाए, उस शुभ भावना के साथ आप अपने को कंडक्ट करते हैं ना। अभी हम क्लास में सुनाते हैं, अभी जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर जाएंगे आप हमारी सब कुछ बदल जाते है ना। आप हमें तब कहेंगे कि दीदी ये ऐसे आपने वो क्लास में सुना, मैं कोई बात नहीं ना आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा धीरे धीरे कर लो, क्लास में हम क्या कहेंगे करोगे कैसे, नहीं करना ही पड़ेगा लेकिन जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आप पर्सनल बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे
कि कैसे नहीं करोगे, कल से क्लास में मत आना, नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन देंगे कि इंस्ट्रक्शन नहीं देख सकते, वहाँ पर अपने संबंध संपर्क से रंग लगा, हम भी तो कर रहे हैं ना, देखो ना, सभी को करना होता है, करो, है ना। तो स्वमान में रहे तो हमारी अवस्था, हाँ, तो ये स्वमान में और सबसे बड़ी बात है सेवा भी रहना है। जैसे आप अपने, अगर आपको प्लेटफॉर्म है सत्य ज्ञान सुनाने का, तो वहाँ आप पूरा सत्य ज्ञान सुना, फिर जो आपका धारणा स्वरूप है सारे दिन में, जो आपका सोच बोल कर्म है, वो रिफ्लेक्ट होगा, उससे सेवा होगी। पर ऐसे नहीं कि आप किसी को, है ना, आप ये कहें कि आप ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, है ना। मुझे किसी ने कहा कि मेरा तो मन करता है इसको मार दें, है ना, ऐसे ऐसे लोग धरती पे रहे ना तो बड़ी मुश्किल है। तो मैंने कहा आप थोड़ा इलाज कराओ अपना, है ना, ऐसे कैसे आपको संकल्प चलते, आपको नहीं रखना, आप मत रखो ना, आप मत करो, आप मत, डोंट कैरी द बर्डन यू डोंट वॉन्ट टू कैरी। लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप उनके प्रति चलाओ कि ये ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है, वो अपने अपना पार्ट बजा रहे हैं धरा पर, आपको उसमें क्या करना है ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।